बिल्कुल डॉक्टर संजीव आहूजा, अब मुंबई के हाल पर मैं आपके पास आना चाहती हूं। एक तो वैक्सीन को लेकर जो बहुत सारी अफवाहें हुई, जिसकी वजह से पहले चरण में हमने देखा कि एक संघर्ष बन गया था लोगों को वैक्सीन देना। कई हेल्थ वर्कर्स भी थे जो पीछे हट रहे थे, लेकिन अब जाकर लगभग एक कंसेंसस बन गया है, लोग समझ रहे हैं इसकी गंभीरता, क्योंकि वैक्सीन जो ले रहे हैं उन्हें अगर संक्रमण होता भी है उसके बाद तो बहुत ही माइल्ड स्वरूप उसका दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है, एक तो मुंबई की ओवरऑल परिस्थिति पर जानकारी दें, क्या सबक उससे बाकी देश में हम ले सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई सबसे संक्रमित इलाकों में से बन गया है। क्या लापरवाहियां हूं जिसकी वजह से ये नौबत आई? जी, तो मुंबई और महाराष्ट्र आप जैसे जानते हैं कि लगभग माना जितने केस पूरे इंडिया में हो रहे हैं उसकी एक बड़ी तादाद मुंबई महाराष्ट्र से ही है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यहाँ की बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन और लोग बिल्कुल भी गैर जिम्मेदारी से पेश आए हैं पिछले 3-4 महीनों में, ख़ास करके दिवाली के बाद और फिर होली के समय और फेस्टिवल्स के वक्त जो सोशल डिस्टेंसिंग या पब्लिक प्लेसेस में ना जाने की बात थी वो लोगों ने बदकिस्मती से ऑब्जर्व नहीं किया। और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो पिछले 1.5 महीने में मुंबई में बहुत ज़्यादा बच्चे अब कोविड से अफेक्ट हो रहे हैं। जितने लोग बड़े जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं कोविड की बीमारी से, लगभग सभी के बच्चों को भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं और शक होता है कि बच्चे को भी कोविड हो गया है। एक लेकिन अच्छी बात हमने फ़िलहाल मुंबई में देखी है कि ज़्यादातर बच्चे, उनको मामूली से सिम्टम्स रहते हैं जो हम कहते हैं माइल्डली सिम्टोमेटिक कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें हल्का सा बुखार आता है जो यूजुअली लगभग 3 से 4 दिन रहता है, और ज़रा सी सर्दी खांसी या लूज मोशंस जैसे सिम्टम्स होने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। बट ज़रूरी बात यह है कि अगर बच्चे को घर पे कोविड है और घर के बाकी बड़े लोगों ने मास्क घर पे नहीं पहना है तो उन सब बड़ों को बच्चे से इन्फेक्शन हो सकता है, और वही इन्फेक्शन जो बच्चे में बहुत मामूली से सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है, यूजुअली सीरियस नहीं हो रहा, बच्चे को हॉस्पिटल में ज़्यादातर एडमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वही वायरस जब बच्चे से बड़ों को लग जाए तो मामला बहुत ही, आज सबको जैसे पता है, बहुत ही अलग हो सकता है। ये भी हम देखते हैं कि जिन बच्चों को बुखार आ जाता है और हम माँ बाप को कहते हैं कि बच्चे का कोविड टेस्ट आप कराइए, तो बहुत हिचकिचाहट रहती है माँ बाप में कि बच्चे का टेस्ट नहीं कराएंगे। इस कारण मुझे लगता है पिछले कुछ महीनों में जो पॉजिटिव रिपोर्ट हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही छोटा नंबर है। असलियत में काफ़ी और बच्चों को कोविड होता है, और अगर लोग टेस्ट कराएंगे तो थोड़ा एहतियात और बरत सकेंगे। और ध्यान रखना ये है कि घर में अगर किसी को, बच्चे को बुखार आ जाए, उसी वक्त से सब घर के मेंबर्स को मास्क घर के अंदर भी पहनना है। मुंबई जैसे शहर में अलग अलग कमरों में रहना, बड़े बड़े घर, ये सहूलियत बहुत लोगों को नहीं होती। बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन चॉल्स में, स्लम्स में रहती है। पर सर आपने बताया कि जो बच्चों को हो रहा है उनका बहुत ही माइल्डली सिम्टोमैटिक है, अगर एसिम्टोमैटिक बच्चे हैं, मतलब लक्षण नहीं है, जो कैरियर्स बन जा रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों के लिए तो एक मुश्किल है। ये बहुत बड़ा संकेत है जो आप दे रहे हैं, क्योंकि अब ये जो दूसरे दौर का दूसरी लहर है उसमें बच्चों को ये होना, चूंकि आप एक पीडियाट्रिशियन हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, लेकिन एसिम्टोमैटिक और बच्चों में आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स में हिचकिचाहट होती है कि बच्चे का टेस्ट नहीं कराएंगे, ये सब रोकना होगा। मैं लौट रही हूं आपके पास।